ई टेंडरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। मैं 10 लाख का काम 2 लाख में हो जाए, ऑलरेडी 4000 सरपंचों पे पहले सरकार केस दर्ज कर चुकी है, तो इसलिए हम नियम फॉलो कर रहे हैं। कितनी समस्याओं को अपने गांव में जाके निपटाते हैं सरपंच, ये जाते हैं नेता लोग शहरों में बैठे रहते हैं। देश संविधान से ही तो चलता है, जब संविधान नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा। जो टैक्स दे रहे हैं टैक्स उन लोगों का बीपीएल बन के आ रहा है, और जो लोग झोपड़ी झुग्गी में जिनके पास राशन नहीं है खाने के लिए, उनके 10 से 15 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है। इस जो फैमिली आईडी और इनकम सोर्स है, जब उसमें अच्छाई होती है तब गांव के अंदर से चुना जाता है। हमसे बेईमान, हमसे घोटालेबाज कैसे कह सकते हो किसी आदमी को? मैं आपको बिना देखे कैसे आरोप लगा सकता हूं? आपको क्या अधिकार है आपका? ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और सरपंच की संपत्ति 5 साल में उसका जमीन खेत क्यार भैंस कटरे सब बिक जाते हैं, और जबकि ये सरपंच को चोर बता रहे हैं, खुद चोर है ये। डर से नाराज नहीं है, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों से नाराज है हम। तो हरियाणा से तमाम लोग जंतर मंतर पर एकजुट हो चुके हैं। देखिए महापंचायत जिस प्रकार से बैठाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों ने जंतर मंतर को घेर रखा है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। कहाँ से आए हैं? पलवल से। क्यों आए हैं यहाँ पर आज आप? अपने अधिकार लेने के लिए। सरकार ने एक काले कानून जो बनाए हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। कौन से काले कानून? काले कानून ई टेंडरिंग बनाई है। ई टेंडरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। संक्षेप में समझाइए आप जब बता रहे हैं तो। संक्षेप में ई टेंडरिंग का मतलब ये है, सीधा सीधा सरकार जो अपने अपने निजी व्यक्ति हैं यानी कि जो अपने कार्यकर्ता हैं उन्हें सीधा फायदा देने के चक्कर में टेंडर लागू कर रही है। पंचायत के जो सरपंच के जो अधिकार थे वो छीने जा रहे हैं उसके। उन्होंने देखिए संविधान का एक कोड 76वें संशोधन की भी बात की है, क्या है वो बता समझाइए। संविधान का? संविधान के 73 जो इसमें दी है वो सरपंचों के अधिकार, पंचायत का सर्वोपरि जो मालिक होता था वो सरपंच होता था, चाहे कोई भी पानी हो बिजली हो गांव के अंदर कोई भी काम हो विकास कार्य हो वो सरपंच की देखरेख में, सरपंच के हिसाब से जो उचित और सही समय पर दिया जाता वो सरपंच के हिसाब से होता था, ये अधिकार है हमारे। तो अब क्या किया जा रहा है? अब सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, राज्य सरकार ने सुनी नहीं है, सेंट्रल सरकार को जगा रहे हैं। इससे पहले भी प्रदर्शन दिए हैं जी? किए हैं, पिछले 4 महीने से प्रदर्शन चला हुआ है हमारा। क्या चाहते हैं आप मुख्य तौर पर? अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। क्या मांगे हैं वही पूछे? मांगे हैं हमारी, सबसे पहले जो सरकार ने ई टेंडरिंग किया, ई टेंडरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार वो इसलिए है क्योंकि हम, मैं आपको सपोज करूं 10 लाख का कोई वर्क है और उस पे यानी कि टेंडर वर्क किया, 10 में से यानी कि 5 बंदे खड़े हो गए, यानी कि 1 7 लगा रहा है, 1 6 लगा रहा है, 1 5 लगा रहा है, 4 लाख रुपये लगा रहा है, और एक बंदा ऐसा भी है एंटी वो 2 लाख भरेगा। क्या 2 लाख का मैं 10 लाख का काम 2 लाख में हो जाएगा? उसको केवल एक अरझाने का काम है। मैंने अपनी सरकार के जो वर्तमान HCS SDM है उनके सामने ये बात रखी थी कि अगर टेंडर माइनस में ज्यादा हो जाता है तो उसको कैंसिल होने का कितना टाइम है, तो उन्होंने बताया 1.5 महीना, और उनकी 1.5 महीने के बाद वो कोर्ट चला जाता तो उसका टाइम कितना है, तो उन्होंने बताया 1.5 साल। ये सरकार को केवल एक भाईचारे को खराब करने के लिए अरझाने की नीति है और कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किए जी? पिछली सरकार ने पिछले जो 5 साल गए हैं उसमें भी आंदोलन इसी तरह हुआ था, और सरकार ने पूरे 5 जो अधिकार दिए थे, 20 लाख की परमिशन दी थी जिसमें पंचायत स्वयं काम कर सकती थी, अब सेम वही नियम लागू इन्होंने दोबारा किया है। तो आज सारे सरपंच आए हुए हैं हरियाणा से? जी नहीं, सारे सरपंच अगर यहाँ आते तो दिल्ली में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। 6200 सरपंच है, एक सरपंच 12 मेंबर है, हम 70 से 80 हजार आदमी की तादाद 2 घंटे में जहाँ आप चाहो वहाँ करने की ताकत रखते हैं। आज फिर कौन लोग आए हैं? केवल जो अपने अपने हमने जैसे कि जिला अधिकार, ब्लॉक के प्रधान, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी लोग यहाँ पे बुलाए। अभी सरपंच तो पूर्ण बुलाए नहीं, मैसेज भी नहीं दिया, हमने फेसबुक पर आउट कर दिया कि हमें परमिशन नहीं मिली है, थोड़े लोगों की परमिशन मिली है, तो इसलिए सिर्फ ओनली पदाधिकारी लोग यहाँ पे। क्या आ गई है कि आप? अध्यक्ष साहब ने हाथ जोड़कर ये कहा है कि कम संख्या में आना, अगर हम संख्या में ज्यादा आते तो हम नियम तोड़ते, और नियम तोड़ते तो हमारे खिलाफ केस दर्ज होते, ऑलरेडी 4000 सरपंचों पे पहले सरकार केस दर्ज कर चुकी है, तो इसलिए हम नियम फॉलो कर रहे हैं। आप जो दिख रहे हैं ये कम नहीं है, ये केवल पदाधिकारी, एक आदमी की 4000 आदमी बुलाने की क्षमता है। अब हम जब हरियाणा या आगे जो
लोगों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी, हाँ, जी किस प्रकार से खत्म किए जा रहे हैं? पहले जो मैंने आपको बार बार बताया, पहले सरपंच गांव का सर्वोपरि रहता था, और अब नहीं है। अब कौन है? अब अधिकारी है, अब वीडियो है। देखिए सरपंच जाहिर तौर पर है, डीसी है, अब नहीं है। देखिए अगर आपने मूवीज भी देखी होगी तो उसमें मुख्य तौर पर मुखिया सरपंच को ही बताया जाता था, लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग जो प्रशासन के लोग हैं वो उस प्रकार से बैठे हुए हैं कि इनका कहना है कि सरपंच की पावर के समापन हो रही है। क्या कहना चाहेंगे जो आपको तमाम लोग देख रहे हैं? सरकार ये हमारे अधिकारों को हनन कर रही है। सर्वोपरि जो सरपंच का कार्य होता था, सारे अधिकारियों को जिम्मेदारी दे रही है। सरपंच का क्या कार्य रह जाएगा फिर? सिर्फ क्या कार्य रहेगा सरपंच का? सरपंच की जिम्मेदारी क्या रहेगी वो बताओ? सरपंच की क्या जिम्मेदारी रहेगी? पहले क्या क्या जिम्मेदारी रहती थी? पहले और सारी जिम्मेदारी हुआ करती थी, कोई अधिकारियों के फेवर में कोई काम नहीं होता था, जो पूरे सर्वोपरि सरपंच करता था। हर जो भी गांव के अंदर विकास का काम हो या कोई भी कार्य हो, सरपंच के अनुसार ही कार्य होता था। और आज कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई भी काम सरपंच के अनुसार कार्य नहीं होता, अधिकारों के अनुसार कार्य हो रहा है। जितनी भी पावर सरपंच की हुआ करती थी वो सभी अधिकारियों को दे दी, अपने सभी अधिकारियों को नियुक्त दे दी। ये भी आरोप लगता है कि सरपंच जो है एक तरह से दादागिरी करते हैं और अपना जो रूल होता है वही थोप देते हैं आम जनता। नहीं, सरपंच पद दादागिरी करता तो क्या दादाओं को गाँव के लोग नियुक्त कर देते हैं सरपंच पद पे? बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है, गाँव की देख रेख का पद होता है, समस्याओं को निपटाता है। हर घर में समस्याओं किसी को हो जाती है तो पहले सरपंच ही निपटाता है उस चीज को, कोर्ट से, थाने से, तहसील से, कितनी समस्याओं को अपने गांव में जाके निपटाते हैं सरपंच। ये जाते हैं नेता लोग शहरों में बैठे रहते हैं, गांव के लोग हैं जो गांव की समस्या में सरपंच निपटा। क्या क्या समस्याएं होती हैं गांव के लोगों की? मुख्य समस्या, मुख्य समस्या गांव की जो सुविधा नहीं मिल पाती गांवों के लोग, रूरल में होते हैं, पिछड़े होते हैं, कोई सुविधा नहीं होती। सरपंच का कार्य होता है उनको सुविधाएं प्राप्त कराना, सुविधाएं लागू कराना, कोई भी छोटा स्कूल, आधार कार्ड, फैमिली एड, वोटर आईडी, बीपीएल है, मकान की रिपेयरिंग है, जो ऐसी बीसीओं की जो सरकार की तरफ से ग्रांट मिलती है, कोई भी बंदा वंचित ना रहे, उन ग्राउंड को आउट कराता है सरपंच। जो भी कोई भी कार्य होगा वो सरपंच करता है। जो भी ऐसी लोग कह रहे हैं अधिकार आप लोगों के छीने जा रहे हैं, सारे अधिकार छीन लिए, कुछ अधिकार ही नहीं छोड़ा। संविधान के अंदर पेज नंबर 11वीं सूची पर पंचायत के 29 अधिकार है जो उनका उन्होंने हनन किया है, हम उनको बहाल किया जाए। बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान, देश संविधान से ही तो चलता है, जब संविधान नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा? आपने कंप्लेन नहीं करवाई इसकी? चार महीने हो गए सरकार के सामने भौंकते भौंकते भागते भागते, आम जनता परेशान है। जो टैक्स दे रहे हैं टैक्स, उन लोगों का बीपीएल बन के आ रहा है, और जो लोग झोपड़ी झुग्गी में जिनके पास राशन नहीं है खाने के लिए, उनके 10 से 15 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है इस जो फैमिली आईडी और इनकम सोर्स है जो सरकार के बीपीएल कार्डों में। सारा जो डाटा है गवर्नमेंट ऑनलाइन उठा रही है, जो अफसर सर्वे कर रहे हैं, और जो सर्वे कर रहे हैं धरातल वो नहीं है। गाँव के अंदर कच्चा मकान किसी का है पक्का हम बताएंगे, या डाटा बताएगा या अकाउंट बताएगा, जो उसका अकाउंट में लेन देन हो उससे पता चलेगा इसका क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये तो तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं वो। कहाँ है तकनीक? हाँ। तकनीक है कहाँ है तकनीक बताओ? मैं तकनीक बता रहा हूँ, मेरा एक ब्लॉक का जो प्रधान है उसका बीपीएल बन के आया इस तकनीक के मेहरबानी से, जिस जो हर तरीके से संपन्न है, हर प्रकार संपन्न, उसमें हर चीज मौजूद है, उसका बीपीएल बन गया। और एक गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है उसका बीपीएल काटा गया, ना उसे कोई राशन कार्ड दिया गया, ना उसे कोई राशन दिया जा रहा। इतने परेशान है लोग इस सरकार से और इस नियम से। सबसे अधिक समस्या कौन सुनता है? गांव के अंदर सरपंच सुनता है। लोग अगर किसी को हारी है या बीमारी है भाग के कहां जाता है? सरपंच के पास जाता है। किसी एमपीएमएलए के पास जाता है क्या? ये लोग कहते हैं कि इलेक्शन में इतना पैसा लगाया, किसी की लड़की की शादी करी है, किसी का भात भरा है, किसी का छोचक भरा है, किसी गरीब की लड़की की फीस भरी है, पैसा उसमें खर्च किया है पैसा। ये जो एमपीएमएलए करते हैं वो दारू में, शराब में, और एक एक वर्कर को खरीदने के लिए पैसा कर, सरपंच नहीं करता। सरपंच को वोट देने से पहले 7 पीढ़ी उसकी ये पूछ ली जाती है, इसका दादा क्या था, इसका बाप क्या है, इसका परदादा क्या था। जब उसमें अच्छाई होती है तब गांव के अंदर से चुना जाता है। अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे? हम ये चाहते हैं, हरियाणा से खट्टर सरकार तो गई, अब सेंट्रल सरकार का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो सरकार हमारी 10 सीट का नुकसान कर देंगे आप लोग। जी हम नहीं करेंगे, जनता करेगी, हम जनता के सेवक हैं। हम 112 नंबर से पहले गांव के अंदर सेवा देते हैं,
किसी की हारी बीमारी कोई भी तकलीफ हो 24 घंटे सेवा में, सेवा में गांव के अंदर रहते हैं। नेता कौन रहता है? शहर में रहते हैं। देखा है किसी ने? आपने कोई एमपी देखा हो, कोई एमएलए देखा हो, किसी गांव के अंदर देखा है कहीं? बताओ आप अगर देखा हो तो। तो जनता के सेवा काफी लोग हैं आप कह रहे हैं? जी 90% पब्लिक डीलिंग हमारा काम है। हाँ। हमारा काम पब्लिक डीलिंग का 90% है। चाहे किसी का राशन कार्ड कटो, किसी की बुढ़ापा पेंशन बढ़ो बंद हो, या किसी की वृद्धा पेंशन बंद हो, या किसी का घर बनो, किसी का मकान बनो, किसी जो लोग आरोप लगाते हैं कि जो है सरपंच भी धांधलेबाजी करता है, उस पर क्या कहेंगे? कहाँ से करता है? हाँ। कहाँ से करता है? गलत फैसले भी ले लेता है और थोप देता है। किससे लेता है? सेक्रेटरी है, जेई है, एसटीओ है, बीडीओ है, डीसी है, डीडीपीओ है, इतने अधिकारी बैठे हैं, इतनी जांच एजेंसी बैठी है, सरकार के पास इतना सब कुछ है। अभी हमने किसी चीज को छू के देखा नहीं और हमसे चोर, हमसे बेईमान, हमसे घोटालेबाज कैसे कह सकते हो किसी आदमी को? मैं आपको बिना देखे कैसे आरोप लगा सकता हूं? आपको क्या अधिकार है आपका? ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आम जनता इस बात से बहुत नाराज है। आम जन हमारे साथ है, नेताओं के साथ नहीं है। और इनके जो दिमाग में फितूर है कि भाई एंटी या विरोधी, एंटी विरोधी सरकार के भी हैं। हम गांव के भाईचारे में अमन चैन चाहते हैं और अमन चैन के लिए ही हम ये सब कुछ अधिकार हैं। चैन और शांति पूर्वक आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सरपंच है। मनोज जी कहाँ से आए हैं? पलवल से आया हूँ। पलवल से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे मित्र साथी महेश सरपंच ने बताया है कि सरकार ने जो सरपंचों पर आरोप लगा रही है, चोर चक्का, ये एक सरपंच अपने घर से अपनी जमीन बेच देता है और वही एक एमएलए और एक मंत्री एक बार बनने के बाद में उसकी हर शहर में कोठियां होती हैं, हर जगह मकान होते हैं, स्विस बैंक में पैसे होते हैं। किसी भी एमएलए का रिकॉर्ड उठा के देख लो आज, आरटीआर के तहत उसकी जांच करा लो, अगर उसकी संपत्ति 100 गुना नहीं हो। और सरपंच की संपत्ति 5 साल में उसका जमीन खेत क्यार भैंस कटरे सब बिक जाते हैं। और जबकि ये सरपंचों को चोर बता रहे हैं, खुद चोर हैं। ये जो पंचायत मंत्री हैं उसके दो भाई हैं, वो दोनों ने अब ठेकेदारी का काम करते हैं, हरियाणा के पंचायत मंत्री के दोनों भाई। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं राइट टू रिकॉल विधायक व सांसद पे भी लागू हो? ये सरपंचों पे जो आरोप इन्होंने लगाया है ना कि राइट टू रिकॉल सरपंच, ये गांवों का भाईचारा खराब करने के लगाया है सरकार ने। अगर सरकार की मंशा साफ है तो पहले सांसद और विधायक पर लागू करे, फिर सरपंचों पे लागू करे। हम इस नियम को मानने के लिए तैयार हैं। खट्टर साहब एसी की गाड़ी है, खट्टर साहब एसी की गाड़ी में चलते हैं, बंगला है, कोठी है, गाड़ी सिक्योरिटी गार्ड, सेवक हूँ, सेवक, सेवक है। कहाँ से है सेवक? सेवक ये होते कि बिना बॉडीगार्ड आम जनता में आके एक बार पूछ के देख। आज जहाँ सर्वे कर रहे हैं, जिन गांव सरपंचों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा जो विपक्षी यानी कि कोई भी कार्यकर्ता गांव के अंदर है उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा एक प्रोग्राम दे दो गांव में किसी तरह से, और वहां जा रहे हैं। वहां ये नियम लगाया है इन्होंने कि केवल वो ही घेरे के अंदर व्यक्ति रहेंगे जिन्हें सरकार चाहेगी, और जो वो क्वेश्चन पूछेंगे जो उस अफसर को द्वारा पहले सीएम बताएगा उनको। हालत ये है, घुस नहीं सकते किसी गांव के अंदर। खट्टर से आप लोग नाराज हैं? कुछ लोग या पूरा गांव? खट्टर से नाराज नहीं है, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों से नाराज है हम। जो नीति तो जो क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव ये चाहते हैं जिस तरह पंचायत पहले काम कर रही थी उस हिसाब से हमें हमारे अधिकार दिए जाए और ये हमें चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं आप विकास हो रहा है तो कुछ तो फेर बदल होगा, संशोधन होगा। किस हाँ हो रहा है फेर बदल? बहुत जोर से हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं। मेरे गांव के अंदर 47 लाख रुपए का ई टेंडरिंग के थ्रू एक जोहड़ का टेंडर छूटा था। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव मरौली है। अभी तक 30 पैसे का काम नहीं हुआ, 3 साल हो गए। सीधा सीधा गबन है हमारे। सरकार क्या रही है फिर वहाँ पर? सरकार कुछ नहीं कर रही है, सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। किस चीज की? आप लोगों की। कैसे बढ़ा रहे हैं? लोग आप शान से चल सकते हैं। हाँ चल सकते हैं शान से। किस महिलाएं सुरक्षित है वो कह रहे हैं? पूछ रहा हूँ, एक सीएम और एक एमएलए की तनखा 1 लाख से 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो टीए लेते हैं, डीए लेते हैं, आज फोन की सिम 230 रुपए में एक महीने के लिए रिचार्ज होती है। एक एमएलए को 7,500 रुपए आज भी फोन के मिल रहे हैं। उसको तेल खर्चा मिलता है, आने जाने का खर्चा मिलता है। सरपंच जब से देश आजाद हुआ है 1994 से आज तक आज भी 3,000 रुपए तनखा है। 100 रुपए में आप एक चीज बताओ, अगर ब्लॉक तक भी जाए कम से कम 50-40 किलोमीटर कुछ तो दूरी होगी। अगर आप मोटरसाइकिल से जाओगे तो 200 रुपए का तेल एक दिन में एक चक्कर में पुकता है। कहाँ से सरपंचों को क्या क्या सुविधाएं देती है? कोई सुविधा नहीं है, सरपंचों से पूरा हक छीन लिया है।
अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है और बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया उसको उन्होंने एक बदलाव किया है बहुत बड़ा, और ये बदलाव किया है उस बदलाव से इन्हें फायदा नहीं हुआ है, ये लोग कह रहे हैं नुकसान ही हुआ है। जो सरपंच है उनके पदों को किस प्रकार से छीनने का प्रयास या फिर यूं कह लीजिए छीनना जा रहा है। देखिए तमाम लोग आपको इस वक्त भी दिखाई दे रहे होंगे, मंच पे महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है और ये लोग भाषण दे रहे हैं और ये कह रहे हैं जिस प्रकार से सरपंच काम करता था ठीक उसी प्रकार से उन्हें काम करने दिया जाए। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल न भूले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।